नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया जिले की जमी पर दो मासूम चचेरे भाई 7 वर्ष के उम्र से ही 20 वक्त की तरावी की नमाज, कुरान की तिलावत और 1 महीने का रोजा रखकर बलिया जिले में बने चर्चा का विषय। जी हां, इस खबर को हम उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के बेलथरा तहसील क्षेत्र के कुंडल नियामत अली ग्राम सभा से दिखा रहे हैं। बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कुंडल नियामत अली ग्राम सभा के निवासी मोहम्मद फैज पुत्र फिरोज अहमद व मोहम्मद इब्राहिम पुत्र मोहम्मद नफीस 7 साल की उम्र से ही 1 महीने का रोजा रहते हैं तथा रात को मस्जिदों में होने वाली तरावी की नमाज 20 रकअत पढ़ते हैं। इन बच्चों के हौसलों के लिए जहां बुजुर्गों ने दाद दिया है, वहीं इनकी माँ और दादा दादी ने बच्चों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए शुक्राना की नमाज पढ़ा है। इस बीच चिलचिलाती धूप व लू चल रहे मौसम में नाबालिग बच्चों का रोजा रहना बेलथरा शहर के साथ पूरे बलिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो लोग जहां से सुन रहे हैं वहीं से कुछ ना कुछ अपने हाथों में गिफ्ट लेकर बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए उनके घर जाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। न्यूज 9 भारत चैनल की टीम को जब इस बात की जानकारी हुई तो न्यूज 9 भारत चैनल के संवाददाता आजमगढ़ मंडल के प्रभारी मोहम्मद सुफियान इन दिनों बच्चों के घर पहुंचकर एक रिपोर्ट बनाया। आप भी देखें हमारे इस खास रिपोर्ट में। न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद सुफियान की खास रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र के कुंडल ग्राम सभा में। और आपको बता दूं कि आज ये जो महीना चल रहा है ये पवित्र महीना माना जाता है, पाक महीना, यानी कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। और इस पाक महीने में हम उस जगह पहुंचे हैं जहां हमें सूचना मिली कि 7 साल की उम्र से यहां 2 बच्चे अपना रोजा रखना चालू कर दिए और एक की उम्र आज जो है लगभग 12 साल है और एक की उम्र आज 10 साल है। और ये 7 साल की उम्र से पवित्र महीने में 300 रोजा रखते हैं, 300 रोजा रखने का काम करते हैं। तो हम पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ, न्यूज 9 भारत चैनल टीम के साथ कुंडल नियामत अली ग्राम सभा में। और ये जो कुंडल ग्राम सभा है ये शफीक भाई जो यहाँ के प्रधान हैं उनके निवास स्थान पे हम मौजूद हैं। उन्हीं के घर के 2 बच्चे रोजा रखते हैं और तरावी भी पढ़ते हैं, पूरा रोजा का एहतमाम करते हैं। तो आइए सीधे ले चलेंगे उन दोनों प्यारे बच्चों के पास और उन्हीं से हम जानेंगे और बात करेंगे कि इस तड़तड़ाती गर्मी में, और जो कि लू का महीना स्टार्ट हो गया, लू बह रही है और काफी गर्मी है, लोग सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ है, और इस महीने में, इस पवित्र महीने में भी वो रोजा रख करके घर का काम भी करते हैं और बड़े बुजुर्गों का जो है आशीर्वाद और दुआ भी लेने काम करते हैं। तो हम उन्हीं से जानेंगे, उनसे बात करेंगे, सीधे ले चलते हैं और हम उनका परिचय के साथ उनको जानते हैं और आप तक उनकी बातों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बाबू, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम, आप के वालिद साहब का नाम क्या है? मेरे वालिद साहब का मोहम्मद नफीस साहब। नफीस साहब, कौन से गांव से आप ताल्लुक रखते हैं? कुंडल नियामत अली। कुंडल नियामत अली। आप कितने सालों से रोजा हैं? हम 5 सालों से। 5 सालों से आप रोजा रख रहे हैं, यानी कि आप जब 7 साल की उम्र के हुए तभी से आपने रोजा रखा स्टार्ट कर दिया। जी। तो ये किसी के दबाव में रखते हैं या आप अपने मर्जी से रखते हैं? हम अपने मर्जी से रखते हैं। तो रोजा रखने का मकसद क्या है? रोजा रखने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला को हम लोग राजी करते हैं, उनसे खुश होते हैं। और यानी कि आप रोजा इसलिए रखते हैं कि अल्लाह आपसे खुश हो जाए, अल्लाह को आप राजी करें और जो कुरान हदीस की चीजें हैं उस पर आप अमल करते हैं, आपका ही मकसद है। तो अभी जो है कि आपके घर पे हमारी टीम जो है न्यूज 9 भारत चैनल की टीम पहुंची है, तो आप और अपने उम्र के और भी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इसके माध्यम से, बताएं? इसके माध्यम से ये अब जो भी आप इस मतलब 5 साल की उम्र से आप रोजा लगातार रखते चले आ रहे हैं, जब आप 7 साल की उम्र के थे तब से आपका रोजा मतलब चालू हो गया और आज आप 12 साल के हो गए, तो आप अपने उम्र के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि वो भी रोजा रहें और रोजा का एहतमाम करें, तरावी भी पढ़ें, नमाज भी पढ़ें, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पाबंद है, एक बताया हुआ रास्ता है, यानी रोजा रखना चाहिए, हर किसी को रोजा रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात करेंगे जो 7 साल की उम्र से ये भी रोजा रख रहे हैं और इनकी उम्र लगभग इस समय 10 साल है, तो लगभग ये पूरा रोजा का एहतमाम करते हैं। तो अपना परिचय, अपना नाम बताएं। मोहम्मद फैज। आपके वालिद साहब का नाम? मोहम्मद फिरोज अहमद साहब। और किस गाँव से ताल्लुक रखते हैं आप? कुंडल नियामत अली। तो आप लोग दोनों लोग भाई हैं,
और आप रोजा रख रहे हैं, कितने सालों से रोजा रख रहे हैं? 3 सालों से। पूरा रोजा रहते हैं 30 रोजा? हाँ। और तरावी नमाज सब पढ़ते हैं? तरावी सब। तो रोजा है, आपको कैसा लग रहा है? हमको ठीक लग रहा है। तो रोजा क्यों रखते हैं, किसी के दबाव में रखते हैं या अपने से रखते हैं? अपने से रखते हैं। और रोजा के साथ साथ और भी चीजें क्या करते हैं? तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और चीज करते रहते हैं। और अपने जो आपके साथ के लड़के हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना चाहेंगे वो सब भी नमाज पढ़े, रोजा भी रहे, तिलावत भी करे, घर पर खेले ना बाहर धूप में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे उन दो बच्चों से जो कि कुंडल नियामत अली ग्राम सभा के हैं, बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र में ये एक ग्राम सभा आता है, और हम उनके उन दोनों बच्चों के निवास स्थान पे पहुंचे जब हमें मालूम चला कि ये 7 साल की उम्र से लगातार रोजा रखते चले आ रहे हैं, और हम उनसे बातचीत किए और जाने और अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश किया। तो आज आपको बता दें कि पवित्र महीना चल रहा है, इस महीने में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोजा नहीं रह पाते हैं, जो बीमार हालत में रहते हैं, लेकिन जो स्वस्थ हैं, मस्त हैं, वो भी रोजा नहीं रहते हैं। हर किसी को रोजा रखने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि साल भर पे एक बार ये महीना आता है, और इस महीने का पूरा एहतमाम करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, कुरान की तिलावत करना चाहिए, और झूठ फरेब मक्कारी से बचना चाहिए। और रोजा ही नहीं, हमको लग रहा हर मुसलमान मोमिन भाई को इस तरीके का काम 12 महीना करना चाहिए क्योंकि ये हमारा इस्लाम के अंदर आता है और यही इस्लाम की खूबसूरती है। तो अब चलने का वक्त हो गया है, और खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।